बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अभी मैं सारे काम से फारिग होकर बैठी हुई हूँ। और आज मैंने नाश्ते में, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने सुबह से क्या किया है, क्योंकि सुबह से ना मेरी सूरत बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई, स्टार्ट नहीं करी। और अब मैं आप लोगों को सुबह का नाश्ता दिखाऊंगी। वीडियो आगे की स्टार्ट करने से पहले, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो फिर स्टार्ट करते हैं सुबह का, मॉर्निंग का रूटीन देखिए आप लोग। और अभी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह का वक्त है और अभी मैं बनाने लगी हूँ ना नाश्ता। और नाश्ते में आज बना रहे हैं अंडा पराठे, तो आज मैं अंडे की भुर्जी बना रही हूँ। और सुबह से मैं काम वगैरह में लगी थी तो वीडियो मैंने स्टार्ट ही नहीं कर पाई, और अब जाके लास्ट, जब मेरा बिल्कुल लास्ट हो गया तब मैंने सोचा लाइव मैं वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर नाश्ते में हैवी नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि फिर इसके बाद ना थोड़ा बहुत ही कैसी लग रही हो? बहुत अच्छी। और मम्मा क्या बना रही हैं? चीला। इसको चीला 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 खाना है आपको? हाँ। तो चीला तो शाम को बनेगा चाय के साथ। आलू डालोगी? हाँ। मम्मा बना रही हैं आलू और अंडे की भुर्जी। हाँ। खाती हो आप? हाँ। अच्छी लगती है आपको? नहीं लगती, आप खाती नहीं हो। हाँ। बॉइल एग खाती हो आप ओनली? काम करने का इतना शौक। तो सुबह आप लोगों ने देखा मैंने आज नाश्ते में कितनी सिंपल सी चीज़ बनाई थी, अंडा पराठा बनाया था। और पराठा सिर्फ मैंने दोनों बच्चों के लिए बनाया था, अपने लिए और हस्बैंड के लिए तो मैंने आज रोटी बनाई थी। तो बस वही नाश्ता हमारा हो गया और इतना हैवी हो गया। मैंने स्पेशली हैवी बनाया ही था कि मुझे ना थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, और कभी कभी ऐसा हो जाता है, चल जाता है। तो फिर अभी तो हम लोगों का खाने का कुछ है नहीं है, क्योंकि नाश्ता भी लेट ही हुआ था, 11:30-12 बजे के करीब हुआ था। उसके बाद मैंने जो किचन का एक्स्ट्रा काम था वो फिनिश किया, और सारा काम फिनिश करके अभी मैं ना ये मैंने खोल लिया है, ये लेकर बैठी हूँ मैं। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया था। तो ये ना मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था आईब्रो बनाने वाली
मशीन जो कि अभी आ रही, मैं उसका नाम तो नहीं जानती, मैं बस ऐसी मोबाइल में देख रही थी तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने ऑर्डर की थी, लेकिन जो मैंने मंगवाई थी ना वो तो नहीं आई और ये आ गई। और ये ना काफी टाइम पहले की आई हुई है तो अभी तक मैंने ना इसको यूज नहीं करा। अब इससे आईब्रो तो नहीं बनेंगी, वैसे इसको मैं खोलती हूँ, अभी इसमें सेल भी नहीं डला तो इससे आईब्रो तो बनेंगी नहीं, लेकिन इससे एक चीज जरूर हो जाएगी, हमारे अपर लिप्स जरूर बन जाएंगे। तो अभी मैं आईब्रो पर भी ट्राई करती हूँ और अपर लिप्स पे आईब्रो देखती हूँ, अगर बनती हैं तो ठीक, वैसे अभी मैं बनवा कर आई हूँ, अभी मुझे जरूरत भी नहीं है आईब्रो की। तो अभी ना मैं अपर लिप्स ट्राई कर रही हूँ। तो ये ना रुआ वगैरह साफ करने के लिए है, गाल ये चीक्स वगैरह के साफ कर सकते हैं, अपर लिप्स साफ कर सकते हैं। वैसे मैंने आईब्रो वाला मंगवाया था कि आईब्रो मुझे बहुत लगते हैं और मैं काफी टाइम में बनवाती हूँ, दर्द की वजह से ना मैं बहुत दिनों बाद जाती हूँ। और अभी तो देखिए मेरी बनी हुई है, मैं अभी बनवा कर आई थी कुछ दिन पहले ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा था मेरा फेस। और ये ना ये कम से कम 6-7 महीने हो चुके हैं इसको मंगवाए हुए, और ज़्यादा भी कह सकते हैं, अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं करा। और एक बार यूज़ मतलब जब आया ही आया था तब मैंने ट्राई करा था, लेकिन इससे आईब्रो नहीं बन रही थी तो मैंने अपर लिप्स के लिए इसको रख लिया, इसको फिर मैंने चेंज नहीं करा। मैंने अब आ गई ये चीज़ तो कुछ ना कुछ यूज़ हो ही जाएगा इसका, तो बस अभी मैं इसके मैं अपर लिप्स बनवा कर नहीं आई, तो बस थोड़े से वही बनाऊंगी, इसीलिए इस बार मैं बनवाए। और मैं बनवाती भी नहीं हूँ, लेकिन एक दो बार से ना मेरे अपनी नंद की शादी में बनवाए थे तब से थोड़े से आ गए, एक बार और बनवा लिए हैं, तो अभी मैं ट्राई करती हूँ बनाती हूँ। कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी देखो ये घूम भी नहीं रहा। तो ये तो खराब है, कुछ भी नहीं हो रहा उससे, बस इसको ऐसे ही रखे रखे मैं देखती रहूंगी कि ये मेरे पैसे हैं। लिपस्टिक ही होती तो कुछ काम में आ जाती है, अब तो वापस भी नहीं होगा, काफी दिन हो गए। मैंने अपर लिप्स भी नहीं बनवाए, चलिए वैसे ज्यादा नहीं दिख रहा। और अभी मैं सोकर उठी हूँ शाम में, और जैसे कि सुबह एमी मुझे परेशान कर रही थी कि मम्मा मैं चीला खाऊंगी, तो मैं बस वही बना रही हूँ। और मैं इसको ऐसे छोड़ कर चली गई तो फिर नीचे से ना जलसा गया, बस बच्चों की फरमाइश जो वो काम है, तो बस अभी मेरा यहाँ चीला बन रहा है। और आज मेरा ज्यादा मन होने लगा तो बनाती जा रही हूँ और खाती जा रही हूँ। आज मैं थोड़े से नए स्टाइल में बनाया, बट इसकी वीडियो नहीं बनाई थी मैंने। मैं कोई भी चीज नए तरीके से बनाती हूँ तो पहले सोचती हूँ शायद अच्छी ना लगे, पर बहुत अच्छी लग रही है। नया स्टाइल इसमें ज्यादा कुछ नहीं करा मैंने, बस इसमें मैंने रवा डाला है, थोड़ा सा मैदा डाला है और शक्कर डाली है और गरी का बुरादा डाला है, बस मजेदार लग रहा है। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और स्टार्ट कर रही हूँ मैं डिनर की तैयारी। तो आज मैं डिनर में बना रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से बैगन प्याज, तो इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ, और बहुत ही ज्यादा अच्छे और सिंपल तरीके से बनते हैं। अगर बैगन जो नहीं भी खाता है ना तो वो भी बैगन खाना सीख जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट किए बगैर मैंने प्याज को मैंने छील लिया है, बैगन भी मैंने धो लिए हैं, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है, इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम जीरा, ये मैंने आधा चम्मच जीरा लिया है, जीरा हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए
फिर उसके बाद इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज को मैंने यहाँ गोल गोल काट दिए जिससे कि ये लच्छे से निकल जाएंगे इसके, ऐसे ये ऐसे निकल जाएगी फ्राई के बाद और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। अगर आप साधारण भी काटना चाहें तो वैसे भी काट सकते हैं। और इसको अभी हम सॉफ्ट होने देंगे, इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। देखिए आप, इसमें प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा होती है, जितने हमारे बैगन है तो उतने हिसाब से इसमें प्याज डालेंगे। प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है, अब इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच। अब इसको भी हम भूनेंगे जब तक इसकी स्मेल थोड़ी खत्म ना हो जाए। और प्याज देखिए ना तो हमने ब्राउन करी है और ना ज्यादा सॉफ्ट करी, ब्राउन नहीं हो पाई है, प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब इसको हम 2-3 मिनट और भूनेंगे और हम अपने बैगन काटेंगे। आंच को स्लो करके मैं इसमें डायरेक्ट ही बैगन काटूंगी गोल गोल। नई चीज तो आप सारे बैगन इसमें डाल देंगे और इसके डंठल हटाते जाएंगे, अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो इनको मैं ना गोल गोल शेप में काट रही हूँ। अब इसमें ऐड होंगे ड्राई मसाले जो हम यूज करते हैं हर सब्जी में, धनिया मिर्ची हल्दी एंड टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, ये सारी चीजें। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे और इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे, बस इसको इसी में ऑयल में ही पकाएंगे और बैगन अपना पानी को छोड़ देंगे, थोड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे तो प्याज वाले बैगन बनने के बाद ना बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं और बहुत स्वादिष्ट। तो अभी हम इसको अच्छे से मध्यम आंच पे भूनेंगे, ढककर पकाएंगे बिना पानी डाले। अब मैंने इसको 2 मिनट बाद खोलकर देख रही हूँ, देखूंगी इसमें बैगनों ने पानी छोड़ा है या नहीं। तो बैगनों ने पानी नहीं छोड़ा है तो इसको ना 2 मिनट बाद ही खोलकर देख लिया। तो यहाँ पर बैगनों ने पानी नहीं छोड़ा है तो अभी मैं मसाला भूनने के लिए बस हल्का सा पानी डालूंगी और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिसी हुई थोड़ी सी सौंफ। अब मैं इसको ढककर पकाऊंगी, बिल्कुल पैक करके पकाऊंगी जैसे ये भाप में अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिया है जीरा पिसा हुआ और सौंफ मैंने पहले डाल दी थी तो मुझे थोड़ी कम लग रही थी, तो अब पूरी मिलाकर हो गई है 1 चम्मच सौंफ, क्योंकि सौंफ की खुशबू ना इसमें बहुत अच्छी आती है। और देखिए हमारे बैगन भी ना गलना स्टार्ट हो गए और मसाला ना अच्छे से भून चुका है। और अगर कम लगे आपको पानी, मतलब बैगन जलने से लगे या मसाला भूनने का, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से भूनते रहे। तो मैं इसमें पानी ऐड नहीं कर रही हूँ, इसको बंद कर कर पकाती हूँ। सब्जी बनकर बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गई है, बैगनों को बस ऐसे हाथ रख के देखना है, बैगन हमारे अच्छे से टूटने लगे हैं। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं बैगन, इसी तरीके से रखना है। और सब्जी अच्छे से भून गई है, जरा भी पानी बाकी नहीं रहेगा। अब इसमें हम फाइनली डालेंगे चाट मसाला जो कि मेरा फेवरेट मसाला है, बस मैं वही यूज करती हूँ, आप चाहे चाट मसाला। और ये डालने में खटाई, इसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे कि हमारे बैगन जो है ना वो टूट ना जाए। बस सब्जी बनकर रेडी है, मजेदार है ना झटपट से बनने वाली सब्जी। अब इसको सर्व करते हैं, इसको अब मैं हरे धनिया के साथ गार्निश कर देती हूँ। मजेदार से बैगन हमारे बनकर रेडी हैं, आ जाइए खाने के लिए जिसको खाने हैं। और जिसको बैगन पसंद नहीं है ना वो भी एक बार घर पर जरूर ट्राई करें, बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर हो रही है बलूनों के साथ मस्ती, तो ट्राइपॉड को देखो क्या बनाकर रखा है, उसके ऊपर बलून ही बलून लगा है। और ये चाय पत्ती के साथ खेल रहे हैं, रूम की हालत हो रही है बहुत ज्यादा खराब।
तो बच्चे जब खेलते हैं तो घर की हालत तो ऐसी हो जाती है, बच्चे खेल लेंगे उसके बाद मैं क्लीन करूंगी घर। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।